वेलकम फॉर टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक विद मावर अंसारी। आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म भोला के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 7 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली द एडवांस बुकिंग ऑफ भोला इज नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड। जितना हमने उम्मीद की थी, जितनी हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी भोला को लेकर, उस तरह की एडवांस बुकिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब सब कुछ निर्भर करता है इसके वर्ड ऑफ माउथ पे। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द प्रेस शो, सभी लोगों को पता है किस तरह से आज शाम को आईमैक्स में इसका प्रेस शो था, उसके बाद पूरे के पूरे मीडिया में देयर इज एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस। जो एम्बार्गो है, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती है यहाँ पर मीडिया हाउसेस के लिए कि आप अपने रिव्यूज जो है वो नहीं रिलीज कर सकते हैं, वो अभी तक यहाँ पर लागू है। यूजुअली हम देखते हैं बड़ी सी बड़ी फिल्में जहां पर प्रेस शोज एक दो दिन पहले होते हैं, अगर रिव्यूज अच्छे आते हैं तो उनके रिव्यूज जो है वो आउट इन द ओपन जो मीडिया हाउसेज है उनको वो दे देते हैं कहने के लिए कि आप दे दीजिए रिव्यू, एम्बार्गो हम हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला कि एम्बार्गोज हटाए नहीं गए हैं। ऑल सेड एंड डन, 100 बात की एक बात है, जब तक हम स्वयं फिल्म देख नहीं लेते अब तक कोई जजमेंट देना यहाँ पर उचित नहीं होगा। जनता जनार्दन है, ऐसी फिल्में जो रहती है मास फिल्में, इनको जनता जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिव्यूज अपने सर पर चढ़ाती है। एंड गाइस, दिस इज एन एक्शन फिल्म, एट एनी पॉइंट ऑफ डे एक एक्शन फिल्म को यहाँ पर रिव्यूज जो है वो ज्यादा फर्क नहीं करते, जो कि यहाँ पर भोला का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है जिसके वजह से भोला चलेगी वो है इस फिल्म का एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। ये बात जब हम फिल्म देख के आएंगे तभी भी याद रखना, इसका जो पहले कलेक्शन डिस्कस करेंगे तभी भी याद रखना, अजय देवगन डायरेक्शन एंड एक्शन इज व्हाट विल मेक भोला रन एट द बॉक्स ऑफिस। अब लेट्स सी गाइस, अब तक एडवांस बुकिंग में यहाँ तो ऑडियंस की रुचि जो है भोला के प्रति उतनी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि गाइस वी हैड ह्यूमंगस एंड मैग्नानिमस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम भोला। एडवांस बुकिंग इसकी एक्सपेक्ट करके चले थे कहीं ना कहीं 6-7-8 करोड़ रुपए की होगी, एंड मैंने तो अपने मन में 300 करोड़ के सपने जो है भोला को लेकर वो सजा दिए थे, लेकिन इन सब में से यहाँ पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये गाइस जो खतरे की घंटी थी वो ट्रेलर जब आया था तभी बजना शुरू हो गई थी। मीडियोकर सॉन्ग्स, एक बहुत ही बोलते हैं ना कि अजीब तरीके का यहाँ पर प्रमोशन जो है, सिटी टूर्स एंड ऑल वर वेरी गुड, परफेक्टली फाइन, लेकिन एक फिल्म की बस जो है यू नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड टिल द डे ऑफ रिलीज। ऐसा नहीं यू नो कि पहले बस बना दी, अरे टीजर टू पे तो ऐसी बस बनी थी कि 30 करोड़ की ओपनिंग यहाँ पर ट्रेड ने एक्सपेक्ट कर दी थी। यू नीड टू कंटिन्यू दैट बस, एंड आई थिंक वो इसकी मार्केटिंग टीम जो है, द बस कुडंट बी कंटिन्यूड टिल द रिलीज, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ बचा ही नहीं प्रमोशन के लिए। जो राय लक्ष्मी का गाना था वो भी सिर्फ ऑडियो रिलीज करके छोड़ दिया, बाकी जितने भी गाने थे उस तरह का इम्पैक्ट जो है वो नहीं कर पाए। आई थिंक द ट्रेलर डिड नॉट गेट वॉट इट डिजर्व, ट्रेलर और अच्छी तरीके से हो सकता था, इनफैक्ट वो टीजर टू ही अगर रिलीज कर देते वो यहाँ पर इस सबके फायदा होता इस फिल्म को। लेकिन ऑल सडन डन ये सब चीजें फ्राइडे को थर्सडे को ये रिलीज हो रही है फिल्म, वो तो मैटर नहीं करेगी, एट द एंड ऑफ द डे इसका कंटेंट जो है वो मैटर करेगा। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या 1 करोड़ तक की भी एडवांस बुकिंग हुई है। एंड माई आंसर इज अ बिग कैपिटल लेटर NO, दिस इज वरिंग, दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग। अ मास फिल्म ऑफ अजय देवगन, इनकी लास्ट फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दृश्यम द्वितीय है, उनकी एडवांस बुकिंग 1 करोड़ की भी नहीं हुई है ओवर द काउंटर टिकट सेल पर। अब सब कुछ निर्भर है अजय देवगन की फिल्म भोला का, इसे कैसे भी पहले दिन 20 करोड़ का बिजनेस करना है, जो कि यहाँ करते हुए दिखाई नहीं दे रही। कितना भी आप दिल को तसल्ली दे दीजिए, दिल को सहारा दे दीजिए कि 10 करोड़ भी ठीक है ओपनिंग होगी, नहीं, ये एक बड़ी फिल्म है, इसको कैसे भी 20 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना ही करना था। एंड गाइस 3D वर्जन की बात करें, सुबह 41,55,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी एंड रात तक सिर्फ 60,00,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी, यानी कि द मूवमेंट इज वेरी लो। मैं एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड रिलीज से 2 दिन पहले भी अगर एडवांस बुकिंग नहीं हो, एंड समझ जाइए ऑडियंस का रुख जो है वो किस तरफ है। द मेकर्स न्यू दिस रिलीज डेट, उनको पता था रिलीज डेट के साथ क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स आने वाले हैं, दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके एंड गाइज, यहाँ पर अब बात करें टिकट सोल्ड की, तो 3D वर्जन में 14,503 टिकट्स आर सोल्ड एंड कल मैंने मॉर्निंग में, एंड बात करो अभी तो 21,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि 21,000 टिकटें जो है बिक चुकी है, 245 का ATP जो हो चुका है। सबसे बड़ी बात, इज द ऑडियंस रेडी टू परचेज अ 500 टिकट, ये तो बस बोलने की बात है, एवरेज
बहुत सारे सिनेमा घरों में आईमैक्स के जो शोज है रात को 750-800 रुपए हैं। पब्लिक का मूड और उनका यू नो जो है भापना वो भी बहुत जरूरी है। आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये जो वर्जन्स है और पिकअप होंगे। 2D वर्जन्स की बात करूं गाइस तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 11,26,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी एंड अभी 17 लाख ऑलमोस्ट 17,46,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। मॉर्निंग में 4,408 टिकट्स वर सोल्ड एंड अभी 7,130 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 2D वर्जन इज एब्सोल्युटली फ्लैट। अजय देवगन फिल्म जिनकी फिल्में जो है वो बीसी सेंटर्स में रोरिंग बिजनेस करती है, यू आर नॉट गिविंग इनफ 2D शोज फॉर हिज फिल्म्स। जहां पर 3D कंटेंट नहीं चलता वहां पे 2D ऑडियंसेस भी यहां पर नहीं आ रही है। आई थिंक 2D ऑडियंसेस विल कम ओवर द काउंटर, यानी कि अजय देवगन की फिल्म जो है वो वॉक इन ऑडियंस जो है वो सर पर चढ़ाएगी। एंड भाई बात करो ATP की तो 195 रुपीज आ गया, यानी कि टिकट के प्राइसेस जो है कई जगहों पर मिनिमाइज भी वो लोग कर रहे हैं क्योंकि दे हैड ओपन विद ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग। अभी दे नो दैट उतना पैसा यहाँ पर लगाना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए जो ATPs है वो कम होते जा रहे हैं। एंड बात करो 3D IMAX की, मॉर्निंग में 5,46,000 की थी, यहाँ पे अभी सिर्फ 6,10,000 की एंड टिकटें सिर्फ 1,012 बिकी है। पूरे देश में सिर्फ 1,000 टिकटें बिकी है IMAX की, दैट स्पिल्स द बीन्स। एंड बात करो टिकट के प्राइस की 503 ATP है। बात करो 4DX की, 4,40,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी, अभी 5,06,000 की, सुबह 804 टिकटें बिकी थी एंड अभी सिर्फ 922 टिकट है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ओनली 100 टिकट्स। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 62.70 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी एंड अभी रात तक सिर्फ 89 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। दिस इज अ सैड नंबर फॉर अ बिग बजट फिल्म लाइक भोला। इट्स एन एक्शन एक्स्ट्रावेगेंजा, द ऑडियंस नीडेड टू लैप इट अप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या रीजन है क्या नहीं है ये दिमाग खुजा के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस टिकट खरीदनी है ये इम्पोर्टेंट है, फिल्म हमको देखना है जाकर ये इम्पोर्टेंट है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है गिव दिस फिल्म अ शॉट, क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म है, इट्स अ वेल माउंटेड फिल्म। लेकिन वो कहते हैं ना यू कैन नॉट फोर्स द ऑडियंस टू कम इन द सिनेमा हॉल्स, द ऑडियंस इज किंग। ऑडियंस को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। एंड गाइस बात करें टिकट सोल्ड की तो अभी 30,200 टिकट्स हैव बीन सोल्ड कंप्राइजिंग एवरीथिंग, PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, जितने भी स्क्रीन सब मिलाकर 30,200 टिकटें ही बिकी है खाली। यहाँ पर लगता है ये तो चूटी मक्का का रिकॉर्ड है, यानी कि 1,24,000 टिकट्स का वो भी ये तोड़ेगी नहीं। अब लेट्स सी गाइस ओपनिंग डे क्या होता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ सिर्फ ये फिल्म 13 से 14 करोड़ रुपए जो है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैड स्टोरी फॉर भोला। उम्मीद कर सकते हैं कि कल सुबह तक भोला एटलीस्ट 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग करे, ओके कल शाम तक 1.5 करोड़ एंड कल रात जब हम यहाँ बैठे एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल 2 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग करे। उसके बाद ओवर द काउंटर टिकट सेल पर भी आप पूरा सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, वहां पे भी उम्मीद करना कि फिल्म 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर यू नो ऑलमोस्ट 13-14 पे ओपन हुआ है वो भी थोड़ी नाइंसाफी होगी फिल्म के साथ। इसलिए एडवांस बुकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस फिल्म के लिए। ये एक मास जॉनर फिल्म है, दृश्यम की तरह सस्पेंस बेस्ड थ्रिल बेस्ड ये जॉनर नहीं, दिस इज एन एक्शन फाड़ मूवी। ओके लास्ट ईयर जब इस पीरियड में KGF चली थी देन वाई नॉट भोला। मास फिल्म ऑलवेज हैव द ऑडियंसेस। एंड बात करेगा इस शो काउंट की, डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग जम्प्स इन द शो काउंट, ऑक्यूपेंसीज ऑफ जस्ट 1% and 2%। मुंबई में 499 शोज हो गए हैं 3D, 3% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR 565 शोज में 2% है, 2D शोज 287 शोज कर दिए हैं यहाँ पर दिल्ली NCR में, मुंबई में जस्ट 108 2D शोज है, पुणे में 176 शोज में 1% 3D की, 2D की 43 शोज थे अभी 69 शोज कर दिए हैं, बैंगलोर में 133 3D शोज थे अभी 203 हो गए हैं। बात करो हैदराबाद की 163 से 180 शोज कर दिए हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की 149 से 155 कर दिए हैं, 2D शोज 208 हो गए हैं, यानी कि शोज ऐड हो रहे हैं लेकिन द ऑक्यूपेंसीज आर नॉट देयर। एंड मुंबई की बात करूं यहाँ पर 11 IMAX शोज में 8% है, दिल्ली NCR में 8 शोज में 13% है। फिल्म जब रिलीज हो जाएगी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि हम फिल्म रिलीज होने के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स जितने व्यूअर्स हैं मैं बस आपसे इतना ही कह सकता हूं कि भोला रिलीज हो रही है, एक बड़ी फिल्म है, इंडस्ट्री को बहुत आवश्यकता है कि भोला चले, क्योंकि गाइस भोला अगर नहीं चलती है तो आने वाले 3 हफ्ते कोई फिल्म नहीं है। आई थिंक भोला के पास भी बहुत एडवांटेज, आई डोंट थिंक गुमराह डूइंग एन ओपनिंग ऑफ एटलीस्ट 2-3 करोड़, वैसे भी गाइस
फिल्म के प्रति कोई बज नहीं है। लेट्स सी गाइस जनता का क्या मूड है, ये भापना बहुत ही टफ हो चुका है आज के जमाने में। एक फिल्म जो बाप लेवल का बज लेके चल रही थी, आज 1 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग नहीं ले रही है। इट इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग। जब फिल्में नहीं चलती है तो दुख होता है, बुरा लगता है, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है क्योंकि भोला अभी जिंदा है। लेट्स सी द फिल्म एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कि फिल्म कैसी होगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, वन डे टू गो फॉर भोला।